स्वास्थ्य शिक्षण संकुल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सात विषय गुजराती में काव्य सात अल्लक दल्लक, जिसके कवि है बाल मुकुंद दवे। आ उर्मी गीत में रासलीला प्रसंग वणी लेवाये है, यानी ये उर्मी गीत यानी इस काव्य के अंदर जो रासलीला होती है उसका प्रसंग बताया गया है। बाड़कों ने गाव गमे एवं आ काव्य है, यानी बच्चों को गाना अच्छा लगे ऐसा एक काव्य है। यहाँ प्रात धाड़ तेमज शब्द नोनपात्र है, उसमें प्रात भी है धाड़ भी है और शब्द उसके बहुत नोनपात्र यानी नोन लेने गए थे। तो आइए काव्य की शुरुआत करते हैं और उसकी समझूती देखते हैं। अल्लक दल्लक झांझर जल्लक, यानी अल्लक दल्लक का अर्थ होता है यानी अलग दलग अलग दलग, तो रात खेलते खेलते अलग दलग करने का। और झांझर झांझर का अर्थ होता है पायल, तो पायल भी बजती है। राढ़िया जमुना नो मलग, यानी राढ़ी हो यानी शाम ढलती है जमुना नदी के किनारे, ऐसा है मलग यानी ऐसा प्रदेश क्या है मलक रहा है यानी अनोखा एकदम बहुत खूबसूरत हो गया। रढ़ियाड़ो रढ़ियाड़ो यानी शाम जब ढलती है वैसा जो यमुना नदी के किनारे का प्रदेश है एक सुंदर हुआ है। ऐसी सुंदर राधा गोरी मुकरू जड़ के झलक झलक, यानी उससे भी सुंदर कौन राधा गोरी यानी राधा है और उसका मुख कैसा झड़क रहा है यानी झलक झलक उतरी से उसका चमक रहा है। आभे पूनम चांद उगे थे, यानी आपका अर्थ होता है आकाश में क्या है पूनम का चांद उगा है, रात रचो से चमक चमक, इसके कारण क्या है कि रात रचा हुआ है। गोपी भेड़ो काना घुसे थे ढोलक वागे चमक, यानी ये गोपियाँ रात खेल रही है पूनम की रात में, तो उनके बीच में क्या है काना है यानी कृष्ण भगवान घुसे है। राधिका नो हार टूटे थे मोती चन के चलक चलक, और राधिका यानी कि राधा का जो हार होता है वो टूट जाता है और सारे मोती चंड के चलक चल गए, सारे मोती जमीन पे बिखर जाते। बदा जड़ापन एक फूटे थे रुए राधिका चलक चल, यानी सब मोती उसको वापस मिल गए पर एक मोती मिलता नहीं है। दीदू हो तो आल ने काना मोती मारो चलक चल, यानी इसीलिए राधा काना यानी कि कृष्ण भगवान से कहती है अगर तूने लिया हो तो मुझे दे दे। सारा चरित्र छे क्या छाना जानो आँखों मलम, यानी तेरे जो कारनामे है जो तू करता है वो उसे वो कोई छुपे हुए नहीं है, उसके कारण पूरा आँखों मलक मलक यानी कि पूरा एक प्रदेश जानता है पूरा मुल्क जानता है। काने त्याती डोट मुखी से रीछ चढ़ी गोपी जन मलक, यानी वहाँ से काना क्या है काना भाग चढ़ता है यानी रीछ चढ़ना यानी गुस्सा हो जाता है। कदम छाया खूब झकी थे बंसी छेड़े अल्लाह पर, यानी जो कदम का रुक के उसकी छाया के नीचे जाके बैठ जाता है और बंसी बजाता है। राधा दौड़े चित अधीरे रात रजो से अलग दबा, यानी राधा चित मन से दौड़ के जाती है और फिर क्या है रात पीछे रखता है। सुर बनाए धीरे धीरे उड़ तनाए पल्लक पल, यानी धीरे धीरे क्या है कि सुर बजने लगे उड़ यानी उसमें क्या है मन भी पल्लक पल्लक होने लगा है। अलग दल्लक झांझर चल्लक यानी अलग दल्लक करते रात हो रहा है। राडरिया रमना ममलक यानी जो जमुना के किनारे शाम हुई है उसकी बात, ये थी सुंदर राधा को उससे भी ज़्यादा क्या है कौन राधा है। और मुकलू झड़ के चल्लक यानी उनका मुँह है जो चमक रहा है। अब शब्द समझूती है झांझर पगे पेरवानू एक घरे, रढ़ियाड़ो आँख ठरे त्यो सुंदर मनमोहक जमुना यानी अमुना का किनारे, मलक तो मुलक प्रदेश, झड़के चमके झलक झलक झड़ झड़ झग्यो छे खूब झड़पती गोड़गोल पड़ी रहे सरस रीति से खेलाई रहे। ढोलक टटोल आलने आपने कानो कन्हैया बाड़कुल चरित्र चरित्र गोपीजन मल्लक गोपियों ना माला श्रीकृष्ण कदम एक रूप सुना बंसी बासड़ी अलग झलक
अलग जलक दूर थी आछेरू संभाय तेरी रूढ़ी प्रयोग उड़ताण दी खेचू। भाषा सज्जता जोड़ाक्षरवाड़ा शब्द वाचो अल्लग दल्लग जल्लग मल्लग छम्मक ढम्मक वगैरह जो शब्दों एक सरखा बे मूड़ाक्षरो से सदड़ी मूड़ाक्षरो एटले दंतवाड़ा मूड़ाक्षरो जेवा के ख म ल य स व वगैरह आ गीत ने शब्दों प्रास ने कारण लय मळ्यो छे। यानी ये जो शब्द दिए गए अल्लग दल्लग जल्लग मल्लग छम्मक ढम्मक वो सब क्या है एक सरके मूड़ाक्षर वाले यानी एक सरके अक्षर मूड़ाक्षर वाले उनके कारण क्या है दंत वाले मूड़ाक्षर है सभी जैसे ख म ल य स व वगैरह उनके कारण या गीतों में क्या है प्रास के कारण लय रहे यानी जो गीत गाने का लय जमा हुआ है। समानार्थी शब्द केवलों यानी एक जैसी समानार्थी केवल काकड़े काकड़े पहाड़ बनता है तो उसके सामने उसके जैसी समानार्थी के और क्या हुई टिपे टिपे सरोवर पर है अधूरो घड़ो छलका है तो उसके सामने समानार्थी केवत होगी खाली चढ़ो वागे गणो दाजा ऊपर डाम तो उसके सामने के दूसरी केवत होगी दुख आवे दुख ऊपर दुख पड़ो गाजा में एक वर्षे नहीं यानी जो बो जे जे कहे छे ते करता नहीं जाजा आत रटिया में तो उसके सामने केवत होगी जाजा आत रटिया में तो सौ मड़ी ने साथे काम करे तो काम वेलू पर से। स्वाध्याय प्रश्न एक नीचेना दरेक प्रश्नों जवाब एक एक वाक्य में लखो यानी आपको नीचे के प्रश्नों का जवाब एक एक वाक्य में लिखने का है। तो पहला सवाल है राधा पूना करता सुंदर तो उसके जवाब में लिखेगी राधा जमुना ना रडियाड़ा प्रदेश करता वधु सुंदर। दूसरा रास क्यारे रचायो तो उसके जवाब में लिखेगी आपमा पूनम नो चांद उग्यो त्यारे रास रचायो छे। तीसरा रास में कौन कौन रमे छे तो उसका जवाब आएगा रात में श्री कृष्ण राधिका ने गोपियों रमे छे। चौथा सवाल श्री कृष्ण क्या बेसी ने बंसी वगाड़े छे तो इसका जवाब है श्री कृष्ण कदमना रूपी छाया माँ बेसी ने बंसी वगाड़े छे। पांचवा राधिका कोनी पासे शू मांगे छे तो इसका जवाब है राधिका श्री कृष्ण पासे पोतानू खोवायेलू चरकतू मोती मांगे छे। प्रश्न दो है नीचेनी काव्य पंक्ति पूर्ण करो तो आपको किताब में देख कर भी पूरी लिख सकते हैं फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ राधिका नो हाथ तूटे छे मोती चढ़के छलक छलक बदा जड़ापन एक तूटे छे रुए राधिका छलक छलक। तीसरा सवाल है रास गरबा अंगे हमारो अनुभव लखो तो उसके जवाब में हम लिखेंगे दरेक गुजराती ने रास अने गरबा नु आकर्षण હોય છે નવરાત્રિના નવ દિવસ ગુજરાતમાં રાસ અને ગરબાની જબરી જમાવટ થતી હોય મને રાસ અને ગરબાને ભારે શોખ છે દર નવરાત્રિએ રાસ ગરબા માટે નવા કપડાં જોઈએ એક વખત નવરાત્રિ માટે મેં પપ્પાની મરજી નહોતી તો પણ ગીત કરીને નવા કપડાં રાસ ગરબા માટે ખરીદ્યા પપ્પા ગુસ્સે થયા પરંતુ એ નવરાત્રિએ મેં રાસ ગરબામાં એવી જમાવટ કરી કે મારો એમાં પ્રથમ નંબર આવ્યો અને પછી તો પપ્પા ખુશ ખુશ થઈ ગયા। પ્રશ્ન ચાર જોડાક્ષરવાળો શબ્દ કોષ કાવ્યમાંથી શોધીને લો તો પહેલે તો ઉદાહરણે આપકો દિયા ગયા જલ્લક જલ્લક ઉચ્ચ રીતે આપકો લીધને કાંઈ પહેલે મેં આવેગા અલગ દલ્લક દૂસરે મેં છમ્મક છમ્મક તીસરે મેં છલ્લક છલ્લક चार थम्मक थम्मक पाँच छलक छलक छ मल्लक मल्लक। प्रश्न पाँच है नीचे आपेला शब्दों ने तमारी बोली में लखो तो उसको इस शब्दों को अपनी बोली में लिखने का है तो पहला शब्द है बधा तो उसका होगा हौ। दूसरा क्या लेव तो हाल्यो कयू तो कीधू
पांचवा है मुक्यु तो मेलियो, आप्यु तो दीदो, साड़ा तो निहाड़। प्रश्न छे, नीचेना शब्दों ने शब्दकोशना क्रम में गोठो। तो यह आपको शब्द दिए गए उसको शब्दकोश में गोठा बनाना है। रासलीला, मुखड़ू, आप, राधा गोरी, रडियाड़ो रा। तो इनमें से पहला शब्द आएगा आप, दूसरा मुखड़ू, तीसरा रडियाड़ो, चौथा राधा गोरी, पाँच रास, छठा रासलीला, चौथी पुस्तकालयमांथी कृष्ण गीतो मेळवीने तेनो हस्तलिखित अंक तैयार करो। आ गीत अभिनय साथे प्रार्थना सभा में रजू करो। आपको आपके गुजराती की नोटबुक में शब्दार्थ रूढ़ी प्रयोग और स्वाध्याय के सवाल जवाब स्वाध्याय पूरा लिखने का है।